तो अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद आया भुवनेश्वर कुमार का तूफान। जी हां, पहले ही पावर प्ले में तबाही मचाते हुए इस भारतीय गेंदबाज ने साउथ अफ्रीका को मुकाबले से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। कौन जीता इस मुकाबले को, क्या रही पूरी रोमांचक हाईलाइट, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह में से खतरनाक गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 149 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 148 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। वहीं दिनेश कार्तिक ने आखिर में 21 गेंदों पर नाबाद 30 रनों की आक्रामक पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं हर्षल पटेल ने 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर फेल रहे और एक रन बनाकर आउट हुए। पिछले मैच में ऋतुराज 23 रन बना सके थे। इसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान ईशान ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। ईशान के रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। वो 21 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए। कप्तान ऋषभ पंत और उपकप्तान हार्दिक पांड्या मैच में फेल रहे। पंत 7 गेंदों में 5 रन और हार्दिक 12 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। पंत को केशव महाराज ने और हार्दिक को पारनेल ने पवेलियन भेजा। श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली, हालांकि वो अर्धशतक से चूक गए। श्रेयस 35 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल 10 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने 7वें विकेट के लिए 18 गेंदों पर 36 रन की नाबाद साझेदारी की। कार्तिक 21 गेंदों पर 30 रन और हर्षल 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एंड्रिक नॉटजे को 2 विकेट मिले। वहीं कगिसो रबाडा, वैन पॉरवेल, ड्वेन प्रिटोरियस और केशव महाराजन को 1-1 विकेट मिला। रबाडा ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन और पॉरनेल ने सिर्फ 23 रन दिए। दोस्तों, अब टीम इंडिया को जीत के लिए जरूरत है कि वो अपने 149 रनों के लक्ष्य का बचाव करे। ऐसे में कैप्टन ऋषभ पंत ने पहला ओवर हमेशा की तरह भुवनेश्वर कुमार के हाथों में दिया और भुवी बेहद ही खतरनाक नजर आ रहे थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान तेंबा बबुमा को पहली गेंद पर ही खतरनाक आउट स्विंग डाली, जिस पर तेंबा बबुमा कुछ खास नहीं कर पाए। और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक पर बुलाया रोजा हेंड्रिक्स को और उन्होंने आते ही भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी की शुरुआत की। ऐसा लग रहा था कि मानो ये बल्लेबाज बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी करने वाला है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने आखिरी गेंद पर हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। भुवनेश्वर की बॉलिंग इतनी अद्भुत थी कि उसे हेंड्रिक्स समझ ही नहीं पाए और भारत की ही तरह अफ्रीका ने भी अपना पहला विकेट पहले ही ओवर में गंवा दिया था। हेंड्रिक्स की जगह बल्लेबाजी करने आए थे प्रिटोरियस और उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन भुवनेश्वर कुमार कहां किसी को बख्शने के मूड में थे। उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक नकल गेंद डालते हुए प्रिटोरियस को अपने जाल में फंसा लिया। फाइन लेग पर खड़े आवेश खान ने बेहतरीन कैच पकड़ते हुए अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। तीसरे ही ओवर में 13 रन पर साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस चुकी थी। ऐसे में तेंबा बबुमा के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी रसिवन नर हुसैन की, जिन्होंने पिछले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी की थी। मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने गेंद थमाई वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या के हाथों में। हालांकि उनकी चौथी गेंद पर साउथ अफ्रीका के कप्तान तेंबा बबुमा ने शानदार छक्का लगाते हुए अपनी टीम की वापसी जरूर करानी चाहिए, लेकिन एक छक्के के बावजूद पांड्या ने अपने उस ओवर में केवल 8 रन ही दिए। जब ऋषभ पंत को ये लगने लगा कि साउथ अफ्रीका के कप्तान तेंबा बबुमा और रसिवन नर हुसैन कहीं धीरे धीरे करके भारतीय टीम से मुकाबला न छीन ले, तब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की जाति लाते हुए पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार को याद किया। भुवी का ये तीसरा ओवर था जिस काम के लिए पंत ने भुवनेश्वर को याद किया था। इस गेंदबाज ने आते ही अपनी तीसरी गेंद पर रसिवन नर हुसैन को भी क्लीन बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका दे डाला और पहले पावर प्ले में महज 29 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवाकर साउथ अफ्रीका मुकाबला गंवाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भुवनेश्वर कुमार साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।